हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हे सॉल्यूशन वीडियोस। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और वीडियो। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन दबाइए ताकि जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसको आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। तो जो लोग नए हैं सबसे पहले चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आज हम जो हेयरकट दिखाने वाले हैं उसको बोलते हैं स्प्लिट एंड्स। एक्चुअली क्या होता है, जब भी आप क्लाइंट के हेयरकट, एक्चुअली बहुत ज़रूरी होता है कि आप 6 वीक ऑलमोस्ट 1.5 महीने से 2 महीने के अंदर अंदर एंड्स कटवा लिया करें। जब भी हेयर कट हो जाता है उसके बाद हेयर कट एक बार करवाएं वंस इन अ 6 मंथ, उसके बाद ट्रिमिंग करवाते रहें या स्प्लिट एंड्स निकलवाते रहें। स्प्लिट एंड्स क्या होता है कि दो मुए बाल, जो बाल फट जाते हैं एंड से तो उसकी वजह से बाल ग्रो होने बंद हो जाते हैं, तो रूट से बाल ग्रो नहीं हो पाते अगर आपके बाल एंड्स फट चुके हैं। तो मैं यहाँ पर काफ़ी सारे तरीके हैं इसके काटने के, मैं एक्चुअली एक कॉमन तरीका ले रहा हूँ। ओके, मैं एक्चुअली इस तरीके से काटता हूँ, 110% बाल ग्रो होते हैं। तो मैंने सबसे पहले बॉक्स कैरियर लिया है टूवर्ड्स द नोज, आगे की तरफ लेके जा रहा हूँ। जिगजैग टेक्निक के अंदर जितने एंड्स है 1 इंच काट दूंगा। ओके, तो इसी का गाइडलाइन लेते हुए बाकी के बालों को भी मुझे काटना है। जस्ट ये बड़े ध्यान से मैं कॉम कर रहा हूँ, आगे लेके जा रहा हूँ, फिर से मैंने देखा तरीके से जितने भी एंड्स फटे हुए दो मुहे हैं उनको काट दूंगा। छोटे बाल निकल गए थे उनको अलग से लूँगा। ओके, इसको भी आप जिगजैग टेक्निक में काट सकते हो। दो मुए जैसे ही कट जाएंगे विद इन अ 2 मंथ, 2 महीने के अंदर इस क्लाइंट को दिखना शुरू हो जाएगा कि मेरे बाल कितने ग्रो हो गए हैं। अगर आप इस टेक्निक से काटते हो, ये स्ट्रेट बालों की टेक्निक है, काफ़ी सारे बहुत सारे टूटे हुए बाल भी लेके आते हैं तो उनके लिए अलग टेक्निक होती है काटने की। आई थिंक मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ। स्प्लिट एंड्स 2-3 तरीके से काटे जाते हैं। ओके, मैं आपको दिखाऊंगा, मे बी इसमें भी मैंने उस तरीके से बनाया होगा वीडियो, ध्यान से देखिएगा। यहाँ भी मैं एक लेंथ में एक अच्छी शेप स्टेट क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, और उसी को बालों को सबको ऊपर लेके जा रहा हूँ, जिसमें आगे वाले बाल भी मेरे आए हुए हैं। ओके, ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ टूवर्ड्स द क्राउन, जितने एंड्स हैं उनके एक्स्ट्रा एंड्स को काट दूंगा, दो मुए निकल जाएंगे इतने में। इस एक बार में कभी भी दो मुए बाल या स्प्लिट एंड्स एक बार में नहीं निकलते हैं, आपको एटलीस्ट कम से कम 2-3 सीटिंग लेनी पड़ती है, क्योंकि एक बार में तो 60-70% जो दो मुए बाल है वो जाते हैं। ओके, तो मैंने सेकंड राइट सेक्शन लिया, उसको पहले स्ट्रेट लाइन क्रिएट करूंगा, देन उसके बाद उसको ग्रेजुएट करूंगा, ग्रेजुएट करने के बाद उसको मैं काट लूंगा। ओके, ये देखते रहिए, ये बहुत ज़रूरी है, आप जब भी ऊपर उठाते हो बाल जितने भी एक्स्ट्रा आते हैं। ओके, इसको काटिए, इसको ज़्यादा लेंथ नहीं काटना, आपको सिर्फ 1 इंच का ही पूरे बालों को, जितने भी बाल आप ले रहे हो उनका 1 इंच का पोर्शन ही काटना है, मतलब एंड्स के 1 इंच के बाल ही काटने हैं। अगर आप वो काट लेते हो तो उसमें क्या है, दो मुए बाल आ जाते हैं, तो आपको ज़्यादा काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये मैक्सिमम हेयर लेंथ है, आपके क्लाइंट भी खुश रहेंगे कि मुझे हेयर लेंथ मेंटेन करनी है और मेरे दो मुए बाल भी कट जाएं। ओके, और ग्रोथ भी शुरू हो जाए, तो ये सबसे बेस्ट वे है काटने का। जस्ट ये कितने एंड्स खराब है आप देख रहे हो, मैं काट रहा हूँ तो आपको दिख रहे होंगे। अभी मैंने ए सेक्शन बनाया, जैसे हमेशा मैं हर एक हेयर कट में बनाता हूँ, सारे बालों को आगे की तरफ लेके जाऊंगा। यहाँ पे इस तरीके से देखिए, एंड्स डैमेज होते तो बाल में कॉम अटक जाता है वहीं पे। तो यहाँ पे मैं इस पोर्शन को एक्चुअली 2 जगह पे लेके जाऊंगा, उस तरीके से काटूंगा, पहले आगे की तरफ जैसे मैं लेयर कट को काटता हूँ उसी तरीके से इसको नीचे काटना है, और मैं ऊपर उठा के भी काट सकता हूँ। अभी अदर साइड भी मुझे क्या करना है, सेम तरीके से कॉम किया, सारे बालों को आगे लेके जाना है टूवर्ड्स द नोज। ओके, कॉम करूंगा, जितने एक्स्ट्रा हेयर्स आपको लग रहे हैं दो में वो काटेंगे हम। ओके, जरा ध्यान से देखिएगा, आगे लेके गया, एंड्स का जितना पोर्शन है उसको जिगजैग में काट देंगे हम। दो मुए ऑलमोस्ट आई थिंक 70% निकल चुके हैं इनके, बट फिर भी एक बार आपको दोबारा इनका हेयरकट देना पड़ेगा। तो ये हेयरकट देखने के बाद आप बताइएगा कि आज का स्प्लिट एंड्स का वीडियो का आपको कैसा लगा। जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो लाइक करें, नहीं पसंद आ रहा है तो कमेंट करके बताएं क्यों नहीं पसंद आ रहा है। एंड जो चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ इस वीडियो में, लाइक ड्रायर, कॉम, सीजर, एप्रन, वो सारी चीज़ों के लिंक जो है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं,
जो लोग मेरे साथ परमानेंट क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं वो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। ज्वाइन का कुछ ज़्यादा चार्ज नहीं है, गूगल यूट्यूब वाले कुछ चार्ज करते हैं तो आपको वो पे करना पड़ेगा, कुछ 159 रुपीज़ है पर मंथ। आई डोंट थिंक इट्स अ बिग अमाउंट, है ना, ज़्यादा पैसे भी नहीं है, तो आप जाके ज्वाइन भी कर सकते हो। तो बताइएगा आपको स्प्लिटेंस का वीडियो कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।